दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बाहर बहुत ही अंधेरा हो गया है, इसीलिए दोस्तों आप टाइम हुआ है 6:50। आप कोई भी बाहर का मैं वीडियो नहीं बना सकता, आप कल मॉर्निंग पे मैं वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं हम लोग बहुत टाइम से लगभग आधे घंटे से ऊपर सूचीपुरा स्टेशन में हम लोग खड़ा था, हमारा ट्रेन खड़ा था, फिर भी आधा घंटे का ऊपर वह 45 मिनट्स के बाद ट्रेन धीरे धीरे चल रहा है। 45 मिनट्स एक ट्रेन लेट है, फ्रेंड्स सोचिए, और भी अब तक आधा आया है। हम हावड़ा से ट्रेन था, अब तक आधा आया है, हम क्या करेंगे, हम ट्रेन तो क्या करेंगे, ट्रेन तो। दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं अभी हम लोग मालदा जंक्शन स्टेशन छोड़ के जा रहे हैं, मतलब मालदा जंक्शन स्टेशन पे ये ट्रेन अराइविंग टाइम था 1:30 AM, वो ट्रेन कवर किया 2:30 AM, मतलब एक घंटा लेट। ठीक है, अभी आधा रास्ता है, अभी आधा रास्ता बाकी है, आधा रास्ते जाने पे फिर भी एक घंटा लेट होगा, और कितना टोटल कितना हुआ, 2 घंटे लेट होगा। 2 घंटे देखते, 2 घंटे पहले पहुँचते, फिर 2 घंटे बाद पहुँचते, मतलब जो ट्रेन का अराइविंग टाइम है वही इस टाइम पे पहुँचते हैं या 2 घंटे लेट पहुँचते हैं। अभी इस ट्रेन का पैसेंजर का हाल और ट्रेन कब पहुँचेगा वो भगवान जाने, कोई नहीं जाने। टाइम हुआ है 4:07, तो बाहर पूरा अंधेरा है, अभी तक पूरा क्लीन शॉट नहीं आ रहा है। दोस्तों थोड़ी देर में लगभग 20-25 मिनट में आ जाएगा। मैंने फ्लैश भी ऑन किया, कुछ नहीं हुआ, क्या करें, 20-25 मिनट्स बाद हम लोग ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या होता है। जैसे आप देख रहे हैं ट्रेन बहुत ही स्पीड से भाग रहा है, इतने स्पीड से भाग रहा है मैं कैमरे को कंट्रोल भी नहीं कर सकता, तो क्या करें मुझे भी नहीं पता। आपको पता है क्या, आपको पता है तो कमेंट करिए, बताइए मैं क्या करूँ। तो ठीक है, जब ट्रेन स्लो होगा आपको पूरा क्लीन शॉट दिखाऊंगा। तो आप लोग ज़रूर देख सकते हैं ट्रेन पहले से बहुत ही धीमी चल रही है, इसीलिए मैं बाहर का ये ग्रीन सीनरी को मैं कैप्चर कर सकता था, मैं कर लिया। मैं ये आपका लक कहूँ या मेरा लक कहूँ मुझे ये नहीं पता, मैं ये सिर्फ ये कहूँगा मुझे ये ग्रीन सीनरी देख के दिल भर गया, क्योंकि आज से 20 साल बाद क्या होगा पृथ्वी का, इतना पोल्यूशन हो रहा है क्या होगा हमें भी नहीं पता। तब तक के लिए क्या करेंगे हम, तब 20 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद अगर पेड़ रहे तो 50 साल बाद क्या होगा, 50 साल बाद का पेड़ रहेगा आपका दिमाग में क्या है, ज़रूर कमेंट करके बताना। जैसे आप देख सकते हैं बाहर का प्लेस सनराइज भी हो गया, बाहर का बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। और दोस्तों हम लोग करीब NGP के पास ही है, लगभग NGP पहुंच गए हैं, अभी आधा घंटे से 45 मिनट्स लगेंगे NGP पहुंचने में, तो NGP पहुंचने में भी आधा घंटे लेट हो गया है ये भी ट्रेन। तो देखते हैं मैनागुड़ी में ट्रेन कितना लेट करता है, क्या अराइविंग टाइम में ट्रेन जाते हैं क्या आधा घंटे लेट से ही जाते हैं। तो दोस्तों और एक बात मैं कहना चाहता हूँ,
ये प्लेस, ये टूरिस्ट प्लेस मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इधर बहुत ही ग्रीन है और इधर आप लोग देख सकते हैं मज़ेदार बात ये भी है और इधर टी बगीचा भी है और पाइनएप्पल बगीचा भी है, आप लोग को देख सकते हैं। आप लोग ज़रूर, आप लोग आएगा तो आप लोग ज़रूर देखेगा टी बगीचा, बहुत ही ब्यूटीफुल टी बगीचा है। एट लास्ट दोस्तों हम लोग मैनागुड़ी स्टेशन में, न्यू मैनागुड़ी स्टेशन में पहुंच गए। आप लोग नहीं देख पाए न्यू मैनागुड़ी स्टेशन, तो यहाँ से हम लोग का ट्रैवल शुरू होगा। ये रहे मेरी छोटी भाई और ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस, लगातार वीडियो। तो हम लोग इधर 5-6 दिन रहेंगे तो लगातार वीडियो डालते रहेंगे, ठीक है। तो फिर जो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम पहुंच चुके हैं नॉर्थ बंगाल और हम हैं मेरे ग्रैंड मदर के घर पे। दोस्तों लगातार 5-6 डेज हम लोग इधर स्टे करेंगे, लगातार वीडियो अपलोड करेंगे, आप ज़रूर देखना। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, जैसे कोई मैं नई वीडियो छोड़ू उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपना फैमिली का ख्याल रखना।